नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ दीपक वर्मा। स्वागत है आपका ऑटो के 2018 ट्यूटोरियल के नेक्स्ट लेसन में। इस लेसन में मैं आपको बताने वाला हूँ ग्रुप के बारे में, कैसे आप ऑब्जेक्ट को ग्रुप कर सकते हैं, कैसे आप ग्रुप को एडिट कर सकते हैं, कैसे आप अनग्रुप कर सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में मैं आपको इस चैप्टर में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मान लो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे इन ऑब्जेक्ट्स को मुझे ग्रुप करना है। ग्रुप करने का मतलब मेरे को इन ऑब्जेक्ट्स को एक ही ग्रुप में मिलाना है। मतलब अगर आप इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं तो ये इतने सारे कंपोनेंट का एक ग्रुप बना हुआ है। मैं चाहता हूँ इन सब का एक ग्रिप पॉइंट, जो आपका ये वाला पॉइंट होता है, वो एक सिंगल पॉइंट हो जाए। अगर मैं इसको मूव करना चाहता हूँ या कॉपी करना चाहता हूँ, तो सभी ऑब्जेक्ट को मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद देखो, इसके 5 ग्रिप पॉइंट है, सबके इंडिविजुअल ग्रिप पॉइंट है। उसके बाद M एंटर करेंगे और उसके बाद आप इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि विदाउट मूव कमांड में इनको मूव करूँ और इनका सबका ग्रिप पॉइंट सिर्फ एक ही पॉइंट बन जाए। तो उसके लिए आप करेंगे इन्हें ग्रुप। ग्रुप करने के लिए आप प्रेस कर सकते हैं G एंटर। जब आप जी एंटर करेंगे, मैं डायनेमिक इनपुट ऑन कर लेता हूं ताकि आपको कमांड साथ के साथ दिखे। मैंने किया जी एंटर, तो आपका ग्रुप आ जाएगा। तो यहां पे पूछता है ग्रुप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और नेम और डिस्क्रिप्शन। अगर आप कमांड से नहीं लेना चाहते तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है ग्रुप का, आप ग्रुप पे क्लिक करें। ग्रुप पे क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है, ये बोलता है ग्रुप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें एंड कर दें एंटर, तो आपका इतने ऑब्जेक्ट का एक ग्रुप बन जाता है जिसका एक ग्रिप पॉइंट होगा। आप इस ग्रिप पॉइंट को क्लिक करके कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? उसके बाद मान लो मैं एक ग्रुप करना चाहता हूँ, उसे कोई एक नेम देना चाहता हूँ। उसको नेम देने के लिए आप क्या करेंगे, आप जी एंटर करें यहाँ, या फिर यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे नेम के लिए एन प्रेस करें या फिर एन एंटर करें। उसके बाद यहाँ पे डाल सकते हैं आप एंटर ए ग्रुप नेम। आपने ग्रुप नेम डाला table1, TABLE table1 एंड एंटर। अब आप इतने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करें एंटर। अब आपका ये ग्रुप बन चुका है जिसका नाम है table1। क्लियर दोस्तों? उसके बाद आता है, मान लो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, मान लो मैंने ग्रुप किया जी एंटर। जी एंटर करने के बाद मैंने सिर्फ इतने ऑब्जेक्ट को ग्रुप किया, मैंने इन दो चेयर्स का ग्रुप नहीं किया, और एंटर। तो ये वाला आपका एक ग्रुप के अंदर ऐड हो गया। मैं चाहता हूं कि इस चेयर को भी इस ग्रुप में ऐड करूं, तो इस पे क्लिक करें और यहां पे एक ऑप्शन आता है। सबसे पहले ऑप्शन है अनग्रुप का। अगर मैं इस ग्रुप को अनग्रुप करना चाहता हूं तो आप इस पे क्लिक करें और यहां पे क्लिक कर दें अनग्रुप पे, तो आपका ये अनग्रुप हो जाएगा। या फिर UNG एंटर, अनग्रुप के लिए UNG एंटर करें, सिलेक्ट करें ऑब्जेक्ट को एंड एंटर, तो आपका ऑब्जेक्ट अनग्रुप यहां से हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? उसके बाद है कि अगर मैं किसी ग्रुप को एडिट करना चाहता हूँ। मान लो मैंने ग्रुप बनाया, मैंने इतने पोर्शन का ग्रुप बनाया, एंटर। अभी मेरा ग्रुप बन चुका है, मैं इस ग्रुप को एडिट करना चाहता हूँ, तो आप क्या करें, यहाँ पे एक ऑप्शन है एडिट ग्रुप। ग्रुप एडिट पे क्लिक करें और आप जिस ग्रुप को एडिट करना है उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा एंटर एन ऑप्शन एड ऑब्जेक्ट। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इसमें ऐड कर सकते हैं। ऐड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें, आप यहाँ पे क्लिक करें, ये ऑब्जेक्ट आपका ऐड हो जाएगा। इस पे क्लिक करें, ये भी ऐड हो जाएगा, एंटर। अब ग्रुप के अंदर ये सारा ऑब्जेक्ट आपका ऐड है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को रिमूव करना चाहते हैं तो फिर आप एडिट ग्रुप कर सकते हैं, ग्रुप को सिलेक्ट करें, यहाँ पे रिमूव ऑब्जेक्ट, तो आप ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? और अगर आपको इस ग्रुप को रीनेम करना है तो आपके पास यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आता है, आप इस ग्रुप को यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। क्लियर? अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये ग्रुप है और इस ग्रुप में से मैं इस चेयर को यहाँ से हटाना चाहता हूँ, इसको रिमूव करना चाहता हूँ, या फिर मैं इस पर्टिकुलर चेयर को डिलीट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए, और मैं नहीं चाहता कि मैं ग्रुप को अनग्रुप करके वो सब चीजें करूं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है ग्रुप सिलेक्शन ऑन ऑफ। अभी ग्रुप ऑन है, मैं ग्रुप को ऑफ कर दूंगा तो होगा क्या, आपका इंडिविजुअली सारे ग्रुप रिएक्ट करने लगेंगे। मान लो मेरे को इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से डिलीट करना है, या आप डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद मैं यहाँ से ऑन कर सकता हूँ, अब वो डिलीटेड ऑब्जेक्ट आपका डिलीट और ये आपका ग्रुप है। मतलब ग्रुप को ओपन करके आपने कोई भी वहां पे वर्क किया है। क्लियर दोस्तों? उसके बाद आता है, मान लो मैं अंडू करता हूँ,
ऑन किया। उसके बाद आता है, जैसे ही मैं ग्रुप पे क्लिक करता हूँ तो उसका एक सिंगल ग्रिप पॉइंट आता है। मैं नहीं चाहता कि इसका कोई सिंगल ग्रिप पॉइंट आए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे ग्रुप बाउंडिंग बॉक्स आप इसे अनचेक अगर कर देंगे, अब अगर ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो सबके ग्रिप पॉइंट आपके इंडिविजुअल आएंगे। क्लियर दोस्तों? अगर आप इस पे क्लिक करके दोबारा से ग्रुप बाउंडिंग बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो सबका एक जो आपका ग्रिप पॉइंट है वो एक सिंगल पॉइंट हो जाएगा। तो ऐसे आप अपने ग्रुप पे वर्क कर सकते हैं। ग्रुप का यूज कहाँ पे होता है, मान लो आपने कोई डोर बनाया है, आपने कोई विंडो बनाई है, या फिर आपने कुछ भी व्हाटएवर जो भी बनाया है, मान लो आपने यहाँ से कंप्यूटर टेबल बनाई है, अगर मैं डिजाइन सेंटर से कंप्यूटर टेबल आता हूँ, और अब ये होगा एक्सप्लोर, वो सभी लाइन सिंगल सिंगल होगी, आपको कहीं पे भी इस चीज को मूव करना है तो आपको सबको सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद ही उसको मूव कमांड लगा के आपको मूव करना पड़ेगा। तब मैं चाहूंगा कि मैं इन सभी ऑब्जेक्ट्स को एक ग्रुप के अंदर ऐड कर दूं ताकि मैं इसको एक ही ग्रिप पॉइंट के अकॉर्डिंग मूव कर सकूं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप जी एंटर करें, आप ग्रुप का कोई नेम डाल सकते हैं, आप कोई डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, एंटर करें, उसके बाद आपका एक ग्रुप बन जाएगा और आप इसको आप इंडिविजुअली कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। अनग्रुप करना है तो आप UNG एंटर कर सकते हैं, अगर आपको ग्रुप को एडिट करना है तो वो भी कर सकते हैं, अगर आप ग्रुप सिलेक्शन ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? तो ये आपका ग्रुप है। तो आशा करता हूं आपको ग्रुप के बारे में अच्छे से पता चला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि इन वीडियोस का और भी लोग बेनिफिट उठा सकें। क्लियर दोस्तों? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।